आईपीएल 2021 के लिए देश और दुनिया के सभी खिलाड़ी यूएई पहुंच गए हैं। वहीं टी20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, जो आईपीएल के दूसरे चरण के तुरंत बाद यूएई में ही आयोजित किया जा रहा है। विश्व कप के लिए भारत की जो टीम चुनी गई है उसका कप्तान विराट कोहली को ही बनाया गया है। हालांकि इस बीच खबरें इस तरह की भी सामने आई कि विराट कोहली अब कप्तानी छोड़ना चाहते हैं। वो वनडे और टी20 की कप्तानी छोड़ अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहते हैं। हालांकि टेस्ट टीम की कप्तानी वो करते रहेंगे। वहीं बात अगर बीसीसीआई की करें तो उसके एक अधिकारी ने इन सब बातों को अटकलें बताया है। हालांकि टी20 टीम के साथ जिस तरह से टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को बतौर मेंटोर बनाया गया, उससे ऐसा माना जा रहा है कि विराट कोहली कप्तानी करेंगे या नहीं, ये एमएस धोनी के हाथ में है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे और आपको विराट कोहली की कप्तानी के बारे में क्या कुछ कहा जाता है वो बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो आगे बढ़े, अभी के अभी हमारे चैनल एनएन स्पोर्ट्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण कुमार धूमल ने उन रिपोर्टों को खारिज किया है जिसमें ये कहा गया है कि विराट कोहली आईसीसी टी20 विश्व कप के बाद लिमिटेड ओवरों की कप्तानी पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट आई थी कि अगर भारत इस साल अक्टूबर नवंबर में यूएई में होने वाले टी20 विश्व कप को जीतने में असफल रहा तो विराट कोहली से वनडे और टी20 की कप्तानी छीनी जा सकती है और उनकी जगह रोहित शर्मा को इसकी जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि अरुण कुमार धूमल ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। धूमल ने कहा कि ये एक बकसास है और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, इस बारे में बस मीडिया में चर्चा चल रही है। बीसीसीआई ने इस मामले को लेकर कोई चर्चा नहीं की है। इससे पहले ये रिपोर्ट आई थी कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में काफी सफल है लेकिन लिमिटेड ओवरों की आईसीसी इवेंट में उनकी असफलता के कारण रोहित शर्मा को इसका जिम्मा सौंपा जा सकता है। सूत्रों ने कहा था कि बीसीसीआई के टॉप के अधिकारी इंग्लैंड में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की हार के बाद से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जहां वो कथित तौर पर भारतीय कप्तान के टीम चयन से नाखुश थे। विराट कोहली ने WTC फाइनल के दौरान तेज गेंदबाजों के अनुकूल और ओवरकास्ट वातावरण में दो स्पिनरों को खिलाया था। अरुण धूमल ने कहा कि ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी। अब बात एमएस धोनी की। धोनी ने साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। इससे पहले साल 2019 में वनडे विश्व कप में टीम इंडिया सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गई थी। इसके बाद एमएस धोनी ने भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि एमएस धोनी कुछ समय के ब्रेक के बाद टीम में वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एक बार फिर वो टीम इंडिया से जुड़ गए हैं लेकिन बतौर मेंटोर। विराट कोहली के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इतने लंबे समय से कप्तानी करने के बाद भी अभी तक वो एक भी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीत पाए। इसको लेकर लगातार सवाल उठते हैं। वो कई बार खिताब के करीब तक पहुंचे लेकिन आखिरी वक्त में टीम को हार का सामना करना पड़ा। अगर एमएस धोनी की मेंटोरशिप में टीम इंडिया टी20 विश्व कप 2021 जीतने में कामयाब हुई तो विराट कोहली आगे भी टीम इंडिया की कप्तानी कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं टीम बिना खिताब जीते ही वापस आई तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि धोनी के ही हाथ में विराट कोहली की कप्तानी की बागडोर है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये वीडियो खत्म हो उससे पहले बता दें कि अगर आपको भी इस मामले में कुछ कहना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात लिख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी नया वीडियो लेकर हम आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।